आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 20 जुलाई की रात्रि में पिपराइज थाना क्षेत्र के ग्राम बेलवार में पारिवारिक रंजिश में अपने पुत्र की वाहन चढ़ाकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त कार किया बरामद, भेजा जेल। देश के राष्ट्रपति पद पर भाजपा उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत की घोषणा होते ही भाजपाइयों ने मनाया जीत का जश्न। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने वनटांगिया गांव में आदिवासी वनवासी एवं वनटांगिया परिवार को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। एसटीएफ गोरखपुर की टीम ने तेलंगाना के कुख्यात साइबर अपराधी सलावादी नागराजू को गोरखपुर से किया गिरफ्तार। एक आधार कार्ड, एक डेबिट कार्ड, दो मोबाइल फोन किया बरामद। थाना कैंट में करवाया दाखिल। राजकोंडा कमिश्नरेट तेलंगाना की साइबर क्राइम पुलिस कर रही अग्रिम विधिक कार्यवाही। निपुण भारत मिशन की मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की मंडलीय समीक्षा बैठक। लक्ष्यों को 100% पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूर्वोत्तर रेलवे ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा ने खुद का ब्लड डोनेट करके रक्तदान शिविर का किया शुभारंभ। कहा, ब्लड देने में बिल्कुल ही ना हिचके, रक्तदान से बड़ा नहीं हो सकता कोई दान। बांसगांव थाने की पुलिस ने अवैध असलहे के साथ दो अभियुक्त को किया गिरफ्तार। दो देसी तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी की अध्यक्षता में महिलाओं के समस्याओं की जनसुनवाई कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महिलाओं की समस्याओं का 100% निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश। जनगणना कार्य निदेशालय यूपी व गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में पार्ट टाइम इनोवेटर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जीवित व मृतक व्यक्ति के डाटा को ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करने के लिए दिया गया प्रशिक्षण। गुरुवार की सुबह से रुक रुक कर होती रही बारिश। भीषण गर्मी व धूप के बाद बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली काफी राहत। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी बारिश की संभावना। और पहली बारिश में नगर निगम के नाला सफाई के दावों का खुला पोल। अधिकतर मोहल्लों में सड़कों पर हुआ जलजमाव।